तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट करना सिखाने वाला हूँ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे केवल लाइटरूम ऐप की मदद से। तो जो भी भाई इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा ना, वो भी कुछ इसी टाइप की फोटो एडिटिंग केवल लाइटरूम ऐप में एडिट कर लेगा। और मैं 110% लिख के देता हूँ ना कि वीडियो के लास्ट में आप भी सेम ऐसा फोटो एडिटिंग कर ही लेंगे। तो वीडियो को आप लोग कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो के लास्ट में आपका भाई ना कुछ इस टाइप की फोटो को एडिट करना वन क्लिक में भी सिखा देगा। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले गाइज हम लोग क्या करेंगे, अपनी गैलरी से ओरिजिनल फोटो को लेंगे, और लेने के बाद सिंपल से इसके शेयर के आइकन पे क्लिक करके और इस वाली फोटो को लाइटरूम के अंदर शेयर कर देंगे। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूँ, वहां पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूँ। तो व्हाट्सअप गाइज, जैसे ही आप लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से गाइज आप लोग क्या कीजिएगा, ऑल फोटोज के आइकन पे ऐसे क्लिक करके अपनी फोटो को सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिएगा जिसे आपको एडिट करना। तो गाइज इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले हैं, और आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताने वाला है, और वीडियो के एंड में वन क्लिक में भी एडिटिंग सिखा दूंगा। तो वीडियो को आप लोग कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले स्टेप में गाइज हम लोग क्या करेंगे ना, साइड में ऐसे स्क्रॉल करेंगे और सबसे पहले इसकी लाइट वाले आइकन पे हम लोग क्लिक करेंगे, और कर लेने के बाद ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद इसकी ब्लेड्स की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके -32 कर देंगे। देन दोस्तों इसकी वाइट्स की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करके प्लस साइड में 22% कर देंगे, शैडो की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 40% कर देंगे, हाईलाइट की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके यहां से हम लोग क्या करेंगे -67 कर देंगे, कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 34% कर देंगे। देन दोस्तों ये सारी सेटिंग आप अच्छे तरीके से देखिएगा, नहीं तो आप फोटो को एडिट नहीं कर पाएंगे। और ये सारी सेटिंग करते ही हम लोग का पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने अपनी फोटो की लाइट को अच्छे तरीके से एडजस्ट किया है। अगर गाइस पहले स्टेप को आप अच्छे तरीके से देखें, अगर दूसरे स्टेप को नहीं अच्छे तरीके से आप देखते हैं तो आप कभी फोटो को एडिट ही नहीं कर पाएंगे। तो दूसरे स्टेप को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और यही हम लोग का मेन वाला स्टेप होने वाला है। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे ना गाइज, कलर्स के आइकन पे ऐसे क्लिक करेंगे, और कर लेने के बाद सबसे पहले गाइज आप लोगों को क्या करना होगा, इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 40% कर दीजिएगा, और इसकी टिंट की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -21 कर दीजिएगा, टेम्प की वैल्यू इंक्रीज करके यहां से प्लस साइड में 32% कर दीजिएगा। और ये सेटिंग आप अच्छे तरीके से कीजिएगा, तभी आप अपने सेम फोटो को एडिट कर पाएंगे। और ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद आपको सिंपल से ऊपर साइड में कोने में ना मिक्स टूल के आइकन पे ऐसे क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने ढेरों सारे कलर्स नजर आएंगे, और यहीं पे काफी भाई मिस्टेक कर देते हैं, इसीलिए वो फोटो को एडिट नहीं कर पाते। तो आप यहाँ पे वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग का रेड कलर सिलेक्ट मिलेगा, तो इसकी सैचुरेशन की वैल्यू इंक्रीज करके हम लोग प्लस साइड में 18% कर देंगे, और सिंपल से इसके बगल वाले कलर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे जो कि हम लोग का फेस वाला कलर होता है ऑरेंज कलर, और इसको कर लेने के बाद इसकी सैचुरेशन की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके -49 कर देंगे, ल्यूमिनेंस की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 16%। और सिंपल से गाइस आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा, वीडियो को अच्छे तरीके से आप देखिएगा तभी आप फोटो को एडिट कर पाएंगे। सिंपल से येलो कलर को सिलेक्ट करेंगे, सैचुरेशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर देंगे, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100 कर देंगे, ल्यूमिनेंस की वैल्यू भी डिक्रीज करके -22 कर देंगे। सिंपल से गाइस इसके बाद ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे, इसकी भी सैचुरेशन की वैल्यू डिक्रीज करके -100, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100, ल्यूमिनेंस की वैल्यू भी डिक्रीज करके -34 करके, और सिंपल हम लोग डन क्लिक कर देंगे। और डन क्लिक कर लेने के बाद हम लोग की पूरी फोटो के अंदर ये वाला टोन आ जाएगा। तो फोटो में कलर को ऐड करने के लिए क्या किया जाता है आगे आपका भाई बताने वाला है, तो वीडियो को कहीं पर भी आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप फोटो को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग मिक्स टूल के बगल में ग्रेडिंग के आइकन पे ऐसे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप लोग के सामने बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे, जैसे कि शैडो, मिड टोन, हाईलाइट और ग्लोबल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शैडो में आएंगे और ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आके इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -47 कर देंगे, ब्लेंडिंग की वैल्यू इंक्रीज करके 100% कर देंगे, बैलेंस की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 32%। और सिंपल से गाइस आप लोगों को कुछ भी नहीं करना होगा, ऐसे स्क्रॉल करना होगा, स्क्रॉल कर लेने के बाद हाईलाइट वाले में आके और अपनी फिंगर से पकड़ के कुछ इस टाइप से इसे घसीट के ना हम लोग यहाँ पे ब्लू साइड में कर देंगे, और कर लेने के बाद आप लोगों को इसकी ह्यू की वैल्यू 230 रखना होगा, सिचुएशन को यहाँ पे 33%, और सिंपल हम लोग डन क्लिक कर देंगे। और डन क्लिक कर लेने के बाद हम लोग की पूरी फोटो ना कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइस अगर आप इतना सारा काम कर लिए तो दो स्टेप और आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपका कंप्लीट एडिटिंग हो जाएगा। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे गाइस ना, तीसरे स्टेप में इफेक्ट के आइकन पे जाके इसकी विग्नेट की वैल्यू हम लोग यहां से कम करके -33 कर लेंगे, क्लियरिटी की वैल्यू डिक्रीज करके -10 कर लेंगे, टेक्सचर की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 10%
सेंड कर देंगे। और ये सारी सेटिंग करते ही हम लोग का तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस दो स्टेप और आप देख लीजिएगा, उसके बाद आपका भाई ये बता देगा कि कैसे आप वन क्लिक में अपनी फोटो को एडिट करेंगे। तो उसके लिए सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स के आइकन पे जाएंगे, शार्पनिंग की वैल्यू इंक्रीज करके 40% कर लेंगे, मास्किंग की वैल्यू इंक्रीज करके 46%, नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके 27%, और इसकी कलर्स नॉइस रिडक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करके 25% कर लेंगे, और स्मूथनेस को 100% कर देंगे। और ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद आपकी पूरी फोटो के अंदर ये वाला टोन आ जाएगा, जो देखने में काफी ओसम एंड फारसी दिख रही है। अगर आप अपनी स्काई में ब्लू टोन को ऐड करना चाहते हैं तो आगे आपका भाई ये भी बताने वाला है, तो वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। स्काई में कलर ऐड करने के लिए सिंपल से हम लोग ऐसा स्क्रॉल करके पूरा ऊपर आएंगे, और आने के बाद इसकी मास्किंग के आइकन पे क्लिक करेंगे, प्लस के आइकन पे ऐसे क्लिक करके ना ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद आप लोग के सामने कलर रेंज का एक आइकन मिलेगा, तो इस पे आप लोग ऐसे क्लिक कर दीजिएगा और आप लोग के सामने कलर पिकर का आइकन आ जाएगा। तो इसे ऐसे आप पकड़ के स्काई में रख दीजिएगा, और रख लेने के बाद इसकी ना रिफाइन की वैल्यू आप यहाँ से ऐसे कम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कम कर लेता हूँ, और अप्लाई क्लिक करके कलर्स के आइकन पे जाके, और यहाँ पे कलर एज का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इसे पकड़ के मैं ब्लू साइड में करके राइट क्लिक कर दूंगा। और ये सारी सेटिंग करते ही ऑल टू ऑल हम लोग की पूरी फोटो एडिट होके आ जाएगी, जो देखने में काफी ऑसम एंड फारसी दिख रही है। अगर इस टाइप की फोटो को आप वन क्लिक में एडिट करना चाहते हैं तो मैंने इसी फोटो का प्रीसेट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहां से प्रीसेट को डाउनलोड करके वन क्लिक में अपनी फोटो को एडिट कर सकते हैं। और इस फोटो को सेव करने के लिए शेयर के आइकन पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा।